अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उमर क्रिएशन के साथ मैं हूं उमर और आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड विद फ्रोजन पराठा और मेरे साथ हैं मरियम उमर, तो वो आपको बताएंगी इसकी रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज हम हाज़िर हैं आपके साथ एक न्यू बड़ी मकदार सी रेसिपी के साथ। चिकन ब्रेड बनाएंगे हम विद पराठा, बड़ी अमेजिंग बनेगी। चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका होगा हमारे पास चिकन। बोनलेस हमने चिकन ले लिया है, ठीक है जी, इसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। फिर इसके पास हमने थोड़ी सी प्याज ले ली है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ की एक प्याज है जिसे हमने चॉप कर लिया है, ठीक है जी। थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है हमने, शिमला मिर्च ले ली है एक नॉर्मल साइज़ की, इसे चॉप कर लिया है। और एक मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास है दूध, ठीक है जी, एक कप दूध ले लिया है। और नॉर्मली जो स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं अब ये इसमें हम ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। सबसे पहले चिकन को मसाला लगा लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने सोचा रेसिपी थोड़ी सी चेंज कर लें क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम चिकन को मैरिनेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चिकन को पकाएंगे, ठीक है जी। चिकन का मिक्सचर बनाएंगे, यानी जो हमने ब्रेड के अंदर फिलिंग करनी है। तो अब चलते हैं चिकन की तरफ। तो व्यूअर्स, हमने कढ़ाई ले ली है, ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा हमने घी डाला है, ठीक है जी। घी गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, ठीक है जी, हल्का सा सौथर करना है, ठीक है, ताकि इसका कलर चेंज ना हो और ये थोड़ा सा सौथर हो जाए। बिल्कुल हल्का सा कलर देना हमें प्याज को, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना जिस तरह हम नॉर्मली मसाला बनाने के लिए करते हैं। गोल्डन सा शेड इसको देंगे ताकि इसका क्रंच भी ख़राब ना हो और ये बिल्कुल हमें कच्चा कच्चा भी ना लगे। ये देखें व्यूअर्स, इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया, हमने इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं किया। प्याज हमारी रेडी है, अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। चिकन जो है वो हमारा बोनलेस है और अब हम इसके अंदर चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए व्यूअर, इसको लाइट लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है, ठीक है जी। इसे 5 से 7 मिनट के लिए और थोड़ा सा हम लाइट फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो व्यूवर्स, हमने क्योंकि चिकन को मैरिनेट नहीं किया लेकिन हमें थोड़ा सा जूसी सा चिकन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिए 3 टेबलस्पून दही। अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक आप यूज़ कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत, मैंने 1/2 टेबलस्पून डाला है, ठीक है जी। रेड चिली डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स डालेंगे हम 1/2 टेबलस्पून, थोड़ी सी काली मिर्च हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी, जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे, ठीक है जी। ये सारा जो हमारा मसाला है ना, ये हम दही में मिक्स कर लेंगे क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल ड्राई है लेकिन हमें थोड़ा सा जूसी सा चिकन चाहिए, ठीक है जी। अब चिकन हमारा जो है वो बिल्कुल फ्राई हो गया था, अब ये मिक्सचर हम चल के इसमें ऐड करते हैं। तो व्यूवर्स, ये देखिए हमारा चिकन रेडी है, ठीक है जी। हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, ठीक है, हस्ते ज़रूर है। और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे अगर दही का मिक्सचर। ये देखिए, जैसे ही हमने इसमें दही का मिक्सचर ऐड किया है, चिकन थोड़ा सा हमारा जूसी हो गया, ठीक है। आप कलर देख सकते हैं कैसे एकदम से चेंज हो गया है। पहले हमारा चिकन बिल्कुल ड्राई लग रहा था, अब थोड़ा सा जूसी सा हो गया, तो इससे हमारी चिकन ब्रेड का टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे मिक्सचर के अंदर। व्यूअर्स, ये देखें हमारा मसाला जो है वो रेडी हो रहा है, ठीक है जी।
अब साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। हल्का सा शिमला मिर्च उसके साथ फ्राई करेंगे। जब तक शिमला मिर्च थोड़ी सी फ्राई होगी तब तक हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा। तो व्यूवर्स देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया, जूसी सा चिकन हमारा तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप हमने इसमें दूध यूज किया है। ठीक है जी, अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना हमने थोड़ा सा पकाना है। ठीक है जी, ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही रहे, ओवर कुक ना हो चिकन हमारा। पराठे को थोड़ा सा बेल लिया। ठीक है, अब हम इसकी साइड्स के ऊपर ना इस तरह से कट लगा लेंगे। हमने लिए है ये मोज़रेला और चेडर चीज़, तो हमने अपने हिसाब से ऐड किया। आप लोग अगर चीज़ लवर हैं तो ज़्यादा चीज़ ऐड कर सकते हैं। ऊपर ये एग को फेंट के तो एग की कोटिंग की है ऊपर इस तरह से, ये देखें। और अब हम इसको जो है माइक्रोवेव में रखने जा रहे हैं, सॉरी ओवन में रखने जा रहे हैं। और ओवन को हमने पहले ही चला लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया और अब हम इसको ओवन में रखते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें हमने ओवन को गर्म कर किया हुआ है पहले से, और अब हम इसके अंदर जो है हमारी ये चिकन ब्रेड जो है वो रखने लगे इस तरह से, और ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसको हमने जो है 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट बेक करना है, और 15 से 20 मिनट ये बेक हो जाएगी और बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो 15 से 20 मिनट वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे जो चिकन ब्रेड्स हैं फ्रोजन पराठा के साथ वो कैसे बनी है। तो व्यूअर ये देखें हमारी जो है चिकन ब्रेड वो बेक हो चुकी है। ये देखें क्या कमाल का इसके ऊपर कलर है, और ये जो हमारी एक चिकन ब्रेड है इसको हम आपको अभी काट के दिखाते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ है वो कैसे उसकी लुक आ रही है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये देखें यार कमाल का इसका जो है एक लुक है, और ये फ्रोजन पराठे के साथ चिकन ब्रेड आप लोग भी घर में बना सकते हैं। अगर डो बनाने में आपका टाइम नहीं है तो आप बाहर से फ्रोजन पराठा लेके आए और उसके अंदर इस तरह से जिसमें हमने फिलिंग की है आप लोग फिलिंग करें और एक चिकन ब्रेड बना लें। तो
अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और उसके साथ ही अपनी जो है एक घर में हेल्दी फूड बनाएं और हेल्दी फूड खाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इसी के साथ मैं आपसे जाना चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।